चेहरे से लग रहा है। बोलिए उषा जी। सर, बोलिए उषा जी। हाय सर, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी आपसे बात करने का। पुलके मैम, आई एम सॉरी, मैंने आपकी क्लास इतनी नहीं देखी, लेकिन लोकेश सर, मैं आपको यूट्यूब से फॉलो कर रही थी। मुझे बहुत टाइम हो गया आपको फॉलो करते हुए, और सर आपके मार्गदर्शन से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नेट हो गया सर। बहुत क्या ज्यादा खुशी हुई बात मुझे, है, थैंक क्या बात यू है। सर। अरे और सर बहुत अभी तो अच्छा। मैं एमए फाइनल में हूँ, एमए कर रही हूँ क्या बात सर। है, क्या बात है। उन्हें और उषा के लिए बहुत बधाई उषा। सर मैंने बीए विद मैथ्स किया है, लेकिन अब एमए में संस्कृत से कर रही हूँ, तो मुझे फर्स्ट पेपर भी कुछ नहीं आता था इतना, लेकिन मैंने आपकी क्लासेस देखी सर। मैंने आपसे बात भी की थी पहले एक बार, इतनी खुशी हुई मुझे बहुत, मतलब मैंने आपकी एक भी क्लास नहीं छोड़ी सर, सच में सर। बहुत प्यारी लग रही हो आप, आपकी खुशी आपके चेहरे से झलक रही है। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा। यस सर, सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सर। और आपने जो टीचिंग सर एप्टीट्यूड, ये जितने भी टॉपिक्स करवाए सर, मैंने सारे देखे सर। आगे भी प्लीज ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहना सर, बहुत खुशी हूँ, थैंक यू सर। मेरे प्यारे साथियों, साक्षात्कार में आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको कुछ जरूरी और आवश्यक बात बताना चाहता हूं। जैसा कि हम सब बात इस समय बहुत सारे जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं और सबूत के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखो अब ये समय जो है फैसले का है। आप अगर आज कोई बीज बोते हो, आज कोई पौधा लगाते हो, तो वो एक समय पर आकर आपको जरूर से फल देगा। लेकिन आप जब आपको जरूरत है तभी जाके पौधा लगाओगे तो फिर वो फल कब देगा। यही समय है आपको जुड़ने का। आप जैसे मेरे, आज मैं कितने सारे छात्रों से बात कर रहा हूं जो मेरे सभी छात्र नेट जीआरए पास किए हैं, जो कितने बड़ी संख्या में हैं। काफी सारे छात्र तो ऐसे हैं जो जुड़ गए थे लेकिन उनको लिंक ओपन करना नहीं आ रहा था। यानी कि 80 से ज्यादा छात्र हैं जिन्होंने मुझे अपना आंकड़ा भेजा, अपना धन्यवाद ज्ञापित भेजा मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो बहुत से लोग तो जूम पर जुड़ ही नहीं पाए, हाउसवाइफ ऐसे जानती नहीं है। तो आप लोग ऐसा करो, आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर लोकेश के नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लो, और अनअकैडमी का ऐप फ्री में डाउनलोड होता है। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से होता है। चलिए इधर देखिए, आ जाइए इधर देखिए। अच्छा, आपको सबसे पहले ना अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लर्निंग ऐप। उसके बाद में आपको गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप गोल सेलेक्ट कर लेते हो मेरे दोस्तों, उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर आना होगा। मुझे सर्च करना होगा डॉक्टर लोकेश के नाम से। और हाँ, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए, पेपर वन के लिए और पेपर टू दोनों के लिए अनअकैडमी पर आप लॉकेस 11 कोड का प्रयोग कर सकते हो। उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं जो भी बच्चा देख रहा सबसे कह रहा हूँ, बहुत फायदेमंद चीज़ है। ए से लेके जेड तक आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है यहाँ पर। हाँ, 10% का डिस्काउंट भाई इस कोड से। तो आप इस कोड को नोट कर लो, कहीं कॉपी में लिख लो, दीवार पर लिख लो, कहीं पर भी लिख लो। जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो और या फिर स्पेशल क्लास देखते हो, लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना। ये सारे बेनिफिट है जो प्लस क्लास के दौरान देखने को मिलेंगे। मेरे अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी क्लास भी आप देख सकते हो। तो अगर आप भी इन सभी बच्चों की तरह सफल होना चाहते हैं, अपने प्रथम प्रयास में जेआरएफ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है प्लस क्लासेज में। ओ भाई साहब, पूजा मैडम नहीं जुड़ी अभी तक, नेम ही आ गया है। आ गई है, स्वागत है पूजा मैडम जी, स्वागत है आपका। हेलो, आवाज आ रही हो रही? आवाज आवाज आ रही आ है, रही हो आ रही है, रही? आपकी आवाज आ रही है, मेरे पास आ रही है। क्या बात है, आज तो सबको देख लिया, रोज सब हमें देखते हैं, आज हमने सबको देख लिया। रविकांत अब मुझे इस दिखाई दे रहे हैं, समय मोहित दिखाई दे रहे हैं, दिनेश दिखाई दे रही है, ज्योति आ गई है। भाई सब अपना चेहरा दिखा दो, आज तो कम से कम आप हमें दिख जाओ, बस नाम देख देख के खुश होते हैं। एक बार सबको जुड़ जाने देते हैं फिर। हाँ यार, आप लोग जुड़ते रहिए ना, मैं लगातार सबको एडमिट कर रहा हूँ, लगातार जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। आप करीब 80 बच्चे हैं और उनमें से आधे भी अभी ज्वाइन नहीं किए। हाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे, खाना वाना खा के सो रहे होंगे। 22 आ गए हैं। हाय मनीषा, बच्चे जुड़ते रहेंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, स्वागत करता हूं एक और शानदार जानदार कमाल सेशन में। इस समय जो भी हमारे साथ मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं, आप इस समय देख पा रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या में लगातार हमसे स्टूडेंट्स जुड़ते आ रहे हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स वो हैं जो इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है इसी वर्ष। मनीषा जी स्वागत है आप सभी का। और
मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख कर कि आप किसी न किसी रूप से मुझसे या पूजा मैडम से जुड़े हुए थे। आपको आपकी सफलता में आप ऐसा मानते हो कि हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार का सहयोग रहा है, तो बिल्कुल ये इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये आप लोगों की सफलता है और हम स्वयं की भी सफलता इसको मानते हैं। तो बहुत सभी मित्रों को पहले तो खूब खूब बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब खूब शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बहुत संख्या में लोग जुड़ गए, एक तो स्क्रीन ये हो गई, एक स्क्रीन ये हो गई, जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए। चलिए पूजा जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? अब पहले आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, फिर मैं कहती हूं। मेरी बात तो यह है कि लगातार बड़ी संख्या में भी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, 27 हो चुके हैं और अभी हमें उम्मीद है कि ये 50 से ज्यादा रहेंगी और वो लगातार बच्चों को जैसे जैसे लिंक आ रही है। शिवराम मीणा जी पता नहीं कहाँ कोई लट्ठे गई लाइट के नीचे बैठे हैं और वहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए ऐसा करिए, आप सबसे पहले अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जब आपको सुनने का मौका दिया जाएगा तब आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। तो सबसे पहले आप अपने आप को म्यूट कर ले एंड चेहरा दिखा दे भाई। आप रोज हमारा चेहरा देखते हैं, आज हम आपका वो खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं, तो कैमरे को बंद ना करें, चेहरे को दिखाएं, क्योंकि आप ये मत सोचे कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, पूरा लग रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके चेहरे की वो स्माइल देखनी है, मुस्कुराहट देखनी है। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मतलब कि थैंक यू भी कहना चाहूंगी कि आपने हमारे भरोसे को कहीं ना कहीं बनाए रखा, कहीं ना कहीं हमारी जो उम्मीद थी उसको पूरा किया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया उसको निर्धारित करने के लिए और आगे की अपनी जो सफलता है। अभी कुछ भी नहीं है, आपने एक स्टेज पार किया है, अभी आगे जाके आपको बहुत जगह, जैसे कॉलेज में जाकर आप पढ़ाओगे, हो सकता है उससे पहले किसी और का कहीं और सिलेक्शन हो जाए टीचर के तौर पर, किसी और पोस्ट पर, तो आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो लाइफ में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड आगे की लाइफ के लिए अभी से शुभकामना दे रही हूँ। अब एक एक से हम बारी बारी से पूछेंगे जानेंगे, तो सर पहले आप स्टार्ट करें। बिल्कुल यार, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग मतलब कुछ न कुछ हासिल करके बैठे हैं, अपने आप पे गर्व हो रहा होगा आप लोगों को और बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले ज्योति, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी आंखें ज्योति की दिख रही है और मैं ज्योति की तरफ जाना चाहूंगा कि ज्योति जी, जब ज्योति से मेरी पहली बार बात हुई थी और तब उनको पता ही नहीं था कि JRF वगैरह करने, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यार मेरी JRF हो जाएगी। बात नहीं, जोर लगा के पढ़ाई कीजिए और आज सफल है। बताइए ज्योति, कैसा लगा आपको और हमारा क्या सहयोग रहा आपकी सफलता रहे सफलता में, ये भी बताना। आप लोगों का सहयोग पूरा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सच में। मतलब ना आप नहीं मिलते तो JRF नहीं होता मेरा, तो सच बोल रही हूँ मैं तो। मैंने कभी नहीं सोचा कि JRF हो जाएगा, लेकिन एक दिन है ना मैं YouTube पे देख रही थी आपकी वीडियो, फिर मुझे YouTube पे आप मिले, मैंने आपकी वो अनअकैडमी में देखी क्लास, फिर तो बस। अरे फिर तो JRF कर लिया, हो गया शुरू। चलो खूब खूब बधाई आपको, अच्छा लग रहा पर है। मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा मैंने, आपकी और पुलिस की मैम की वजह से हुआ है। मुझे लगा ज्योति मेरा नाम ही नहीं लेगी। बिल्कुल थैंक यू, अच्छा लगा। अब आप दूसरे स्टूडेंट को पूछे सर, उसके बाद में ऐसा नहीं है, आप एक ही मतलब अलग अलग स्टूडेंट का आ रही है। अरे बिल्कुल आ रही है महाराज, चिंता मत करो, आ रही है सबकी, आ रही है सबकी आ रही है। कुछ कोई कहना चाहेगा, कोई भी रैंडम व्यक्ति कुछ भी कहना चाहेगा, मतलब अपनी सफलता को लेकर कुछ कहना चाहेगा कि भाई ये सफलता। जी सर, जी सर मैं कहना चाहती हूँ। जी हेमा जी, सर मैं कहना चाहती हूँ। जी हेमा जी, बबीता जी कुछ भी बोलिए। एक मिनट, सर मैं मेरी आवाज आ रही सर सभी को? बिल्कुल हेमा जी, सर आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर, आज से 10 महीने पहले यानी कि जनवरी के समय की बात है और मैंने सोचा तो था कि मैं तैयारी करूंगी, पर काफी समय से मुझे कोई सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रहा था और मुझे अच्छे से याद है, पता नहीं मैं ऐसी यूट्यूब में सर्च कर रही थी और अचानक से मुझे आपका एक वीडियो देखा और आपने किसी इस वीडियो में हिस्ट्री के जो
बुक्स होती है ना जो प्रॉपर, उसके बारे में आप बता रहे थे। तो आप मुझे याद है कि आपने जैसे ही मैंने देखा कि ये हिस्ट्री का भी बताया सर ने, पॉलिटिकल साइंस का बताया है, इंग्लिश का बताया है कि कौन सी बुकें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, और ऐसे करते करते मैं हिंदी पे भी पहुंची। और आपने बताया मुझे कि हमें सबको भी बताया उस वीडियो में कि आप गोविंद पांडे वाली किताब लो, शुक्ल जी पढ़ो, कोई फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेन मेन पॉइंट रखो। और फिर आप मुझे याद है कि आपकी ही वजह से मैं जो मैम जो है उनसे मिली, क्योंकि सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं केवल नेट क्वालिफाई जरूर हुई हूँ, और मैं इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मैं स्कूल भी पढ़ाती हूँ। और आप नहीं होते तो शायद आपसे कनेक्शन नहीं होता, तो फुल्की मैम से भी कनेक्शन नहीं हो पाता, और ना ही मैं अनअकैडमी में भी जुड़ पाती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, आप शायद आपको याद होगा कि जून में आप 10-15 वीडियो नहीं बनाई थी यूट्यूब पे, तो मैं इतनी हताश हो गई थी कि पता नहीं सर को क्या हो गया है। सर शायद आपको याद होगा बच्चों ने ये तक कह दिया था कि सर को कोविड तो नहीं हो गया है, तो आपने फिर यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाई और तब आपने बताया कि मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया। अब मैं ये सोची कि मैंने कहा सर से कैसे कॉन्टेक्ट करूंगी, फिर आपने कहा कि कुछ समय मैं क्लास जो है फ्री ले रहा हूँ, जाके सर आपसे क्लास ज्वाइन करी, तब मेरा पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हुई। और मैम सर मैं यहाँ पे अब आपके मैं पुलकी मैम के बारे में बोलना चाहती हूँ कि पुलकी मैम शायद मुझे कभी जानती नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे कमेंट्स में मैम ने मेरे पढ़ा है, अप्रिशिएट भी किया है, और मेरे को बहुत हिम्मत भी दी है। शायद मैं एक समय ऐसा था कि मैं बहुत दबाव महसूस करती थी, बहुत हताश थी, मुझे ऐसा लगता मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, शायद मेरा सर जो स्पीच है बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद मेरी जो बहुत सारी भावनाएं हैं जो पुलकी मैम के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा थी हमेशा से, और उनकी वीडियो मुझे अच्छे से याद है, जनवरी से लेकर जून तक लगातार जो है मैंने उनकी सारी वीडियो देखी है, और हर एक वीडियो पे मैंने उनका कमेंट भी किया है, उनके काम को अप्रिशिएट भी किया है। तो थैंक यू सो मच पुलकी मैम, आपने 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 इतना ज्यादा सहयोग किया सर। आप जैसे है ना, मैं बस आपसे और पुलकी मैम से यही निवेदन करूंगी कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए हमेशा आपको जैसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, जब सर आप स्माइल करते हैं ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है, तो आप प्लीज स्माइल करते रहें, और पुलकी मैम प्लीज आप स्माइल करते रहें सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, आपने तो मतलब इमोशनल कर दिया मुझे, मैं ज्यादा देर तक मतलब इमोशनल रह नहीं पाती हूँ, लेकिन सुन रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल हेमा, मैं आपका हर कमेंट पढ़ती थी, आपने मुझे एक दिन बोला कि मैं भी टीचर हूँ पढ़ाती हूँ, मैंने बिल्कुल मुझे एक एक बच्चे का याद है कि कौन मुझे कमेंट करता है, कौन मेरे से कॉल पे बात करता है, किस तरीके से जुड़े हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैम सबसे सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कल क्या रही है कि 2 दिन पहले आपने यूट्यूब पे मेरे ही मैसेज का स्क्रीनशॉट लगाया है, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही मतलब कितने भगवान को प्राप्त करने वाली बात वो महसूस है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आपने जो वाईफाई स्टडी में आपने जो प्रॉपर मेरे मैसेज को पढ़ा है उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ अपने पास कि जब जब मैं कभी उदास होंगी मैं तब तक आपका जो कमेंट है वो अपने लिए पढ़ लूंगी, शायद मेरा जो मोटिवेशन जो घट रहा है वो और अधिक बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी, आप में से कोई भी ऐसा हमारा दोस्त मित्र जो कुछ अपने मन की बात कुछ भावनाएं कहना चाहता है तो वो स्वतंत्र रूप से कह सकता है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा वालिया जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी मनीषा जी, आप प्लीज कर रही हो मनीषा जी, अगर आप देख सकते हो जरूर। नमस्ते सर, और पुलकी मैम आपको भी नमस्ते, सभी दोस्तों को भी नमस्ते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बार मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो मैंने खुद में नोटिस किया है, वो ये किया है आपकी क्लासेस, आप दोनों की क्लासेस लेने के बाद, की जो फर्स्ट पेपर का कम्युनिकेशन हो, टीचिंग हो, रिसर्च हो, या कोई भी टॉपिक हो, उसको जिस तरह से चीजों को समझाने का जो तरीका होता है वो खुद से मिलके खुद से समझ के, मतलब मेरे दोस्त होते हैं, मैंने आपको सर को बताया था एक बार कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बाद में बोलेंगे मुझे कि कहाँ से पढ़ा है, बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे, तो मेरी एक दोस्त भी बोल रही थी यार तू फर्स्ट पेपर कहाँ से पढ़ रही है, इतना इस तरह से तुझे शब्द कैसे समझ आने लगे। अभी सर अभी कोई ज्वाइन नहीं करेगा, सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा, लेकिन जिस दिन जेआरएफ हो जाएगा उस दिन सब मुझसे पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ा था, तो वो हो भी रहा है। और पुलकी मैम ने उस टाइम, पुलकी मैम से तो मेरी मुलाकात तो खैर नहीं कहूंगी, लेकिन आपसे मैम तभी से आपकी क्लासेस देखना शुरू की जब सर राजस्थान चले गए थे, तो क्लासेस नहीं ले पाए थे, उसके बाद से मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपकी क्लासेस देख के, बहुत ज्यादा। आपका जो मतलब बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको ज्यादा तो नहीं कहूंगी कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं अपने बारे में, बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं दोनों। आपके चेहरे से और आपके भाव से लग रहा है कि आपको बहुत अत्यधिक किस बात की खुशी है। हमारे अगले चेले हैं मोहित भाई, कुछ कहना चाहोगे आप, कैसा लग रहा है?
म्यूट म्यूट कर रखा है, म्यूट अनम्यूट करो पहले। आज जब तक आप कोई और कुछ कहना चाहे अपने विचार मन के विचार तो कह सकता है। प्रणाम कुलकी मैम को और लोकेश सर को। हाय नमस्कार भाई, आ जाइए। हेलो शिवराम जी, मैम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर। नेट तो आपकी वजह से हुआ है कि मैम की स्टडी और लोकेश सर का पढ़ाने का जो एटीट्यूड है दोनों अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो कोई भी चीज हो आसान हो जाती है। पीजीटी नेट जेआरएफ कुछ भी हो, नेट तो कुछ नहीं है, ऐसे एटीट्यूड और स्टडी के आगे आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं अगर ऐसे गाइडेंस गाइडनर मिल जाए, ऐसे स्टडी कराने वाले टीचर्स मिल जाए। धन्यवाद, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। मैं इसको कहते हैं इसमें ये संप्रेषण जब मैं पढ़ाता हूँ, जब एक बाधा आती है इसको, जब आप उसे भावनात्मक बाधा, जब आदमी बहुत ज्यादा भावुक होता है ना तो अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाता। शिवराम की स्थिति यही है कि उसकी माँ उनके पास में खड़ी है और वो बहुत ज्यादा भावुक है, इस बात को लेकर खुश है तो अपनी बात को भी सही तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया मित्र, अच्छा लगा कि आप जुड़े हमसे और आपने उपस्थिति दी, अच्छा लग रहा है। और कोई हमारे जो साथी कुछ कहना चाहते हैं अभी? मित्र चेले मोहित के पास जाना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि मोहित हमसे मिलने से पहले, अनअकैडमी पर आने से पहले, वाईफाई स्टडी यूजीसी रेड चैनल पर वीडियो हमसे जुड़ने से पहले 4 बार एग्जाम दे चुका था लेकिन दुर्भाग्यवश उनको सफलता नहीं मिली। आप उनको देख सकते हो। मोहित भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे मित्र कि आप सफल हुए और आपकी सफलता हमारी सफलता है। बहुत अच्छा लग रहा, कैसा आप अपनी सफलता को कैसा देखते हैं मोहित भाई? बोलिए। धन्यवाद सर जी, सही कह रहे हैं आप। इससे पहले मैं 3 बार नेट दे चुका था जी, 3 बार दे चुका था, लेकिन जब से आप स्पेशल क्लास ली आपकी तब से आपसे बहुत प्रेरणा मिली, मुझे प्रेरणा मिली तो मैंने आपके कहने से प्लस कोर्स ज्वाइन किया। आपके प्रेरणा से मैं सभी क्लास लेता था आपकी, और आपके अनुसार ही मैं पढ़ता था, आपकी सभी वीडियो देखता था। आप और पुल की मैं बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हैं, आप और पुल की मैं बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हैं, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति की जैसे उसके गुणों को निकाल कर आपके अंदर गुणों को निकालने की एक क्षमता है सर, आप बहुत व्यावहारिक हैं, मैं यही कहना चाहूंगा सर, ऐसी हम लोगों का सपोर्ट करते रहे। मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे मैम से भी और सर से भी कि आप हमेशा ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। कुछ कहना चाह रही है, चेहरे से लग रहा है, बोलिए सर। हाय सर, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी आपसे बात करने का। पुलकी मैम आई एम सॉरी, मैंने आपकी क्लास इतनी नहीं देखी, लेकिन लोकेश सर मैं आपको यूट्यूब से फॉलो कर रही थी, मुझे बहुत टाइम हो गया आपको फॉलो करते हुए, और सर आपके मार्गदर्शन से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नेट हो गया सर, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे, थैंक यू सर। अरे और सर अभी तो मैं एमए फाइनल में हूँ, एमए कर रही हूँ के लिए बहुत बधाई। और सर मैंने बीए विद मैथ्स किया है लेकिन अब एमए में संस्कृत से कर रही हूँ, तो मुझे फर्स्ट पेपर भी कुछ नहीं आता था इतना, लेकिन मैंने आपकी क्लासेस देखी सर, मैंने आपसे बात भी की थी पहले एक बार कि सब्सक्रिप्शन ले सकती मैं, तो सर जब आपने बोला कि फ्री में कॉन्सेप्ट वाले पढ़ाऊंगा तो सर इतनी खुशी हुई मुझे बहुत, मतलब मैंने आपकी एक भी क्लास नहीं छोड़ी सर सच में सर, लेकिन मैं आपकी साइलेंट स्टूडेंट हूँ सर, मैंने कभी कमेंट नहीं किया तो शायद आप मुझे नहीं जानते सर, लेकिन नहीं, मैं नहीं, आपको नहीं, आप YouTube पे जानती। साइलेंट स्टूडेंट मत रहा करो, मैसेज भी किया और बहुत प्यारी लग रही हो आप, आपकी खुशी आपके चेहरे से झलक रही है, बहुत शुक्रिया आपका। सर सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सर, और आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड जितने भी टॉपिक्स करवाए सर मैंने सारे देखे सर, आगे भी प्लीज ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहना सर, बहुत खुश हूँ, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहोगे?
कीजिए, टाइम आ गया है, रिपोर्ट ऊपर देखे आप। हाँ मैं अभी 9-10 मिनट है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नेमी क्या हाल है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा भी मैडम दूसरी बार नेट क्लियर हुआ है। मैं फाइनल ईयर का भी रिजल्ट आ गया मेरा MGSU का। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। आप दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, बोलिए, आपकी आवाज ही हमारे लिए काफी है, बोलिए। हाँ जी मैम, मैम मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर हुआ है। हाँ जी मैं सर, मैं पुलकी मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या बात है, हमारे जो स्टूडेंट है वो एमए के फर्स्ट ईयर के साथ ही देखो नेट भी कर गए, बहुत कर गए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैम आप बोलना चाहती है क्योंकि इतनी देर से वो अपने को दिखा नहीं रही थी, अभी उन्होंने चेहरा दिखाया कि बोलना है, नहीं तो मीटिंग बंद हो जाएगी। तो श्रेया जी आप बोले, आपको पहले कहना चाहते हैं कोई भी। नमस्ते सर और मैम, आवाज आ रही मेरी? यस यस क्लियर है। अच्छा मैम, पहले तो मैम आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और मैं क्या कहूँ, आपकी तारीफ बहुत कम है जितनी भी करूँ। आप मतलब लॉकडाउन में जो वरदान मतलब बन के आई हमारे लिए, वो मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊंगी। मतलब रिजल्ट इतना अच्छा, मैम मुझे नेट की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मतलब इतनी टेंशन हो रही थी आंसर की जब आई, मैं जब मिला रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा मतलब नेट नहीं जेआरएफ भी हो गया है। टेंशन मैम बहुत थी क्योंकि फर्स्ट मतलब थोड़ा सा मतलब खराब चला गया, केवल 18 क्वेश्चन, लेकिन हिंदी मैम आपकी कृपा से संभाल ले गई मैं। इसके लिए थैंक्स, वेरी वेरी थैंक यू। मैम कविता, खैर मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और मैं जब लिखना शुरू करूंगी तो मैम डेफिनेटली मैं सुनाऊंगी जरूर, सबसे पहले आपको। पिंकी मीना जी कुछ कहना चाहोगी? आप पिंकी काफी दिन से मुझे जानती हैं और जेआरएफ कर लिया है पिंकी ने, बहुत बधाई हो पिंकी आपको। कुछ कहना चाहोगी पिंकी आप? जी सर कहना चाहूंगी, जी सर बिल्कुल कहना चाहूंगी सर। पहले नमस्ते मैम, आपको भी नमस्ते सर। आपको मैं बहुत पहले से जानती हूँ और आपकी वीडियो देख के मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, दिल बहुत खुश हो जाता है आपको देख के। और मैम आप तो, आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली है, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हो आपके, और कोई साथी हमारे जो कुछ कहना चाहता हो, अपने मन के भाव कहना चाहता हो? बहुत अच्छा लगा मेरे प्यारे मित्रों आपसे बात करने पर। 50 हमारा लक्ष्य, हमारा जो काफी, मैं मुझे याद है कि जितना भी डेटा आया था हमारे पास में, मेरे जितने भी जो छात्र थे, चाहे उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको मदद की थी, लगभग 70-80 ऐसे छात्र थे जिनका नेट जेआरएफ पास हुआ है, जेआरएफ पास हुआ है, जिनमें से तकरीबन 40 स्टूडेंट हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े, और धीरे धीरे आवाज की वजह से या किसी को काम हो गया उसकी वजह से जाते रहे जैसे जैसे उनसे मैंने बात की। लेकिन मैं अंतिम रूप से यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी दोस्तों को दिल की अनंत गहराइयों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, वाईफाई स्टडी UGC.net हिंदी चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। आप सभी का पूजा मैडम कुछ कहना, आप सभी का स्वागत है। बहुत मतलब हमें बहुत खुश हूँ कि मतलब ये अच्छा लग रहा है एक तरीके से कि छात्र की सफलता या असफलता वाकई शिक्षक की सफलता और असफलता होती है, जिसका भास और आभास मुझे अभी आप लोगों से बात करते हुए प्राप्त हुआ है। आप साइड में कमेंट्स देख सकते हो बच्चों के, जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोग बहुत बहुत बधाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मां तो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, इतनी देर से दिखाई थी, अभी गायब हो चुकी है। एंड दिनेश भी कुछ कहना चाह रही है, मुझे लगता है दिनेश अपने हस्बैंड की आईडी से देख रही है, तो इनकी बात भी ले लेते हैं। हिमांशु बोले, दिनेश यादव उनका जेआरएफ हुआ जी। दिनेश जी बोलिए आप। दिनेश बिल्कुल हो सकता है हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। हिमांशु आप बोले, बोलिए जी मैम। सर
आप कैसे हो? एकदम स्वस्थ। रिजल्ट के बाद आप लोगों से बात भी नहीं की। कोई बात नहीं, आप तो जिस तरीके से, मतलब मेरे लिए ना हिमांशु आईएसआई है। जब कई बार कई सवाल बच्चों से नहीं हो पाते, मैं कहता कि यार हिमांशु आप बताइए, तो ऐसा लगता है कि यार हिमांशु बताएगी। बहुत अच्छा लग रहा है हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है। बहुत शुक्रिया सर। ये कोई बात नहीं, ये है कि अब मुझे खुद पे विश्वास हो गया है, और वो सिर्फ आपकी वजह से। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, आप बहुत आगे जाओगी लाइफ में, एंड सारे दोस्त बहुत आगे जाने वाले हैं। परेशान ना हो, और कोई ये सोच रहा हो कि हम बात नहीं कह पाए अपने दिल की, तो परेशान ना हो। अलग अलग एक एक का इंटरव्यू लेने वाली हूँ मैं पर्सनली, ठीक है? तो मैं क्या कह रही थी, बिल्कुल सबका अलग अलग से इंटरव्यू लेने वाली हूँ। ये मत सोचना कि हम अपनी बात को कह नहीं पाए, पूरी बात डिटेल में नहीं बता पाए। एक एक का अलग अलग आएगा, पूरी सीरीज चलेगी, परेशान ना हो। जी जी जी। मैम आपके गिफ्ट का इंतजार है। अच्छा, वो अपना गिफ्ट हमें कब मिलेगा इंतजार है मैम। आपको गिफ्ट मिल चुका है श्रिया, नेट जीआर पास हो गया, आपको गिफ्ट मिल गया है। इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। मिल गया आपको गिफ्ट, सही कहा सर। लेकिन आगे भी सर, आगे भी हेल्प चाहिए आप लोगों की, आगे भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, आगे निश्चित तौर पर हेल्प करते रहेंगे आगे। हितेश ने बहुत प्यारा कमेंट करा है, आप पढ़ सकते हो सर उसको, एक बार पढ़िए। हाँ, आप ही पढ़िए पूजा मैडम जी इसको, यार आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, कह रही है कि पुलकी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा, पुलकी मैम कहती थी कि नेट जीआरएफ अगर तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा? भाई होगा तुमसे, की बात कहती हूँ। तो यही उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया इसने, हाउस वाइफ एंड मदर और टू चिल्ड्रन। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी, बट पुलकी मैम सब इजी कर दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप इतने प्यारे हो। और मैं बताऊं, मैं अगर मैं अपने आपकी अकेले की बात करूं, तो मैं जो भी हूं आपकी बदौलत हूं। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपको आगे किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो हम लोग आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे। इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, इस मीटिंग में जुड़ने के लिए मेरे सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आगे जीवन, बेहतर जीवन की आकांक्षा के साथ सभी का धन्यवाद। अब मैडम कुछ कहना चाहोगी आप? बिल्कुल सर, टाइम हो चुका है, अब मैं सबका अलग अलग इंटरव्यू लूंगी, तब कहूंगी, कोई बात नहीं। आप शिवराम कार दिखा रहे हैं, शादी में बुला रहे हैं, पता नहीं इनकी खुद की शादी है कि इनकी बहन की शादी है, जहां तक मुझे आइडिया। चलिए गाइस, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप इस लाइव सेशन में जुड़े, हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। अब ये समय जो है फैसले का है। आप अगर आज कोई बीज बोते हो, आज कोई पौधा लगाते हो, तो वो एक समय पर आकर आपको जरूर से फल देगा। लेकिन आप जब आपको जरूरत है तभी जाके पौधा लगाओगे, तो फिर वो फल कब देगा? यही समय है आपको जुड़ने का। आप जैसे मेरे, आज मैं कितने सारे छात्रों से बात कर रहा हूं, जो मेरे सभी छात्र नेट जीआरए पास किए हैं, जो कितने बड़ी संख्या में हैं। काफी सारे छात्र तो ऐसे हैं जो जुड़ गए थे लेकिन उनको लिंक ओपन करना नहीं आ रहा था। यानी कि 80 से ज्यादा छात्र हैं जिन्होंने मुझे अपना आंकड़ा भेजा, अपना धन्यवाद ज्ञापित भेजा, मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो बहुत से लोग तो जूम पर जुड़ ही नहीं पाए, हाउसवाइफ ऐसे जानती नहीं है। तो आप लोग ऐसा करो, आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर लोकेश के नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लो, और अनअकैडमी का ऐप फ्री में डाउनलोड होता है। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से होता है। चलिए इधर देखे, आ जाइए इधर देखिए। अच्छा, आपको सबसे पहले ना अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लर्निंग ऐप। उसके बाद में आपको गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप गोल सेलेक्ट कर लेते हो मेरे दोस्तों, उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर आना होगा, मुझे सर्च करना होगा डॉक्टर लोकेश के नाम से। और हाँ, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए, पेपर वन के लिए और पेपर टू दोनों के लिए अनअकैडमी पर आप लोकेश 11 कोड का प्रयोग कर सकते हो। उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं जो भी बच्चा देख रहा सबसे कह रहा हूँ, बहुत फायदेमंद चीज़ है। ए से लेके जेड तक आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है यहाँ पर। हाँ, 10% का डिस्काउंट भाई इस कोड से। तो आप इस कोड को नोट कर लो, कहीं कॉपी में लिख लो, दीवार पर लिख लो, कहीं पर भी लिख लो। जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो और या फिर स्पेशल क्लास देखते हो, लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना। ये सारे बेनिफिट है जो प्लस क्लास के दौरान देखने को मिलेंगे। मेरे अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी क्लास भी आप देख सकते हो। तो अगर आप भी इन सभी बच्चों की तरह सफल होना चाहते हैं, अपने प्रथम प्रयास में जीआरएफ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है प्लस क्लासेज में।